And welcome back to SK Manikasan. We are back again with another chapter for JE Main. And ये chapter आज हम लोग gravitation start करेंगे. Rotational mechanics मैंने आपको already बता रखा है कि it is all about कैसे आप kinematics and dynamics के जो variables होते हैं या फिर terms होते हैं, इनको इनके angular forms में, angular analog के forms में लिख सकते हो. And once you are able to do that, all you have to do is compute these kind of variables in different scenarios and different cases, and फिर तो बस practice and you can easily do anything in rotational mechanics. That's all there is to rotational kinematics या dynamics, rotational mechanics. उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो chapter gravitation है, तो इसके आज के video की अगर आपको notes चाहिए, you will get in the community tab. उसे मैं post कर दूँगा the images. तो उसके लिए you can go to the community section. आज हम लोग ग्रेविटेशन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड विल कवर सम रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन ग्रेविटेशन. तो पहले तो इंट्रोडक्शन में मैं पहले क्लासिफाई कर देता हूँ मासेस को दो कैटेगरीज में. अब मासेस को कैसे आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो दो कैटेगरीज ऑफ मासेस होते हैं इन्हें कहा जाता है इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास. अभी तक तो हम लोगों ने जब भी मास कहा था, सो वी डोंट रियली नो व्हाट डू वी मीन बाय मास, इनर्शियल और ग्रेविटेशन. बट अगेन इफ यू आर गुड एट इंट्यूशन तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि हम लोगों ने मास को डिफाइन किया था एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जो कि समहाउ एक क्वांटिटेटिव मेजर है टू ट्रांसलेटरी मोशन. इसी का जो एंगुलर एनालॉग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी टू रोटेशनल मोशन. तब यहां से हम लोग समझ सकते हैं अभी तक जिस मास की बात हो रही थी, दिस इज इनर्शियल मास एंड ये वो मास है जो कि डायनेमिक्स में यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली. सो एफ इक्वल्स एम ए में जो मास है दैट इज इनर्शियल मास. आपको समझना है ग्रेविटेशनल मास वो काइंड का मास होता है जो किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन करने में हेल्प करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करने में हेल्प करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाने में हेल्प करता है. मतलब कोई भी काइंड का ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन होगा वहां पे जो मास इन्वॉल्व होता है वो ग्रेविटेशनल मास होता है. एंड अगर आप कंप्यूट करना चाहते हो उस बॉडी की एक्सेलरेशन या फिर नेट फोर्स, तो यहाँ पे जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में या फिर न्यूटन के लॉज में जो मास इन्वॉल्व होता है दैट इज थ्री लॉज ऑफ मोशन. फोर्थ तो ग्रेविटेशन हो गया तो वहां पे ग्रेविटेशनल मास आ गया उसे. तो यहाँ पे जो थ्री लॉज ऑफ मोशन में मास इन्वॉल्व होगा दैट विल बी इनर्शियल मास. तो यहाँ पे हम लोगों ने इनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन तो कर दिया, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दे आर नॉट द सेम. इनको हम लोगों ने अलग तरीके से डिफाइन कर लिया लेकिन किसी भी बॉडी के लिए इनकी वैल्यू सेम होती है, दैट इज ये सेम मास एम में क्लासिफाई होंगे. किसी भी बॉडी के लिए जो इनर्शियल मास होता है एंड ग्रेविटेशनल मास होता है ये इक्वल वैल्यूज होते हैं. अगर मैंने एक 2 kg का मास 2 kg मास का ब्लॉक कहा मतलब इसके इनर्शियल मास भी 2 kg है, ग्रेविटेशनल मास भी 2 kg है. तो अगर किसी बॉडी के इनर्शियल मास कोई डेफिनेट अमाउंट की है उसकी ग्रेविटेशनल मास भी उसी अमाउंट की होगी, तब दो डिफरेंट वेज में क्लासिफाई क्यों करते हैं. चलो इसे एक और अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. मैं इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा, हम लोगों ने फ्रिक्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है, वहां से एक बहुत ही अच्छी सी एनालॉजी ले लेते हैं हम लोग. मैंने एक इंक्लाइन प्लेन जैसे मान लिया, यहाँ पे थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड आई प्लेस अ ब्लॉक ऑफ मास एम इन इट. एंड अभी तो इनर्शियली मास क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा फ्रिक्शन पे फोकस कर लेते हैं. ऑब्वियसली अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. तो पीछे अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस तो म्यू एम जी कॉस थीटा अमाउंट का पीछे फ्रिक्शन एक्ट करते हैं. अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा जिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इस बॉडी को स्टॉप नहीं कर सकता फ्रॉम स्लाइडिंग, आप तुरंत कहोगे द मैक्सिमम द वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा होना चाहिए द एंगल ऑफ रिपोज जिसे कहते हैं, जिसे टैन इनवर्स ऑफ म्यू कहा जाता है. तो ऑब्वियसली यहां भी जो थीटा आर होता है दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज. मतलब अगर इंक्लाइंड प्लेन का ये टैन इनवर्स म्यू एंगल है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तब ये बॉडी स्लाइड कर जाएगी एंड एम जी साइन थीटा बेसिकली या तो इस एंगल पे इक्वल हो जाएगा टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड ऑब्वियसली तब ये बॉडी स्लाइड कर जाएगी. अगर इक्वल है या बड़ा है बॉडी स्लाइड कर जाएगी. तो अगर एंगल ऑफ रिपोज देखा जाए टैन इनवर्स ऑफ म्यू है, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी अगर
सरफेसेस के कांटेक्ट को आप यहाँ पे कोएफिशिएंट म्यू कह दे रहे हो ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी टैन इनवर्स म्यू के इक्वल होते हैं। लेकिन नाउ सी द डिफरेंस, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज तो वो एंगल है जो कि इंक्लाइंड प्लेन के पास होने चाहिए ताकि ये बॉडी इस प्लेन पे स्लाइड कर जाए बाय दिस फोर्स एम जी साइन थेटा, एंड माइनस में ये कर दो तो ये नेट इफेक्टिव फोर्स ऑन दिस बॉडी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाती है विद द टोटल रिएक्शन फोर्स इन अ गिवन सिनेरियो, वो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, हमें इतना पता है। लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के डिफरेंट एंगल्स में डिफाइन किया गया है, तो ये दोनों सेम अगेन एंगल्स नहीं है। दीज टू टर्म्स आर नॉट द सेम, लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इनकी वैल्यूज इक्वल हैं, बट देज आर नॉट वन एंड द सेम थिंग्स। इनकी अगर डिफाइन किया जाए जो कंसेप्ट होता है तो एट द डीप एंड फंडामेंटल लेवल, तब ये डिफरेंट हो जाता है। द सेम थिंग इज विद इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। किसी भी बॉडी के इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास इक्वल वैल्यू रखती है। 2 kg की इनर्शियल मास है तो 2 kg ग्रेविटेशनल मास भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है एट द वेरी फंडामेंटल लेवल वो डिफरेंट होता है। इनर्शियल मास कैसे बॉडी फोर्सेस या फिर एक्सेलरेशन को रिस्पॉन्स करती है, दैट इज द कनेक्शन विद इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास कैसे बॉडी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल इंटरैक्ट करती है, सो दैट इज द कनेक्शन विद ग्रेविटेशनल मास। लेकिन जब भी मैं मास एम कहूंगा इट इज जस्ट द सेम थिंग, दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगे। तो वंस वी अंडरस्टैंड इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर ऐसा कंसेप्ट नहीं होता कि इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास किसी भी बॉडी के इक्वल नहीं होते, उस केस में जो डिफरेंट बॉडीज अगर हम लोग फ्री फॉल में फेंकते हैं तो इनके एक्सेलरेशन डिफरेंट होते हैं। एंड आई विल टेल यू दिस हाउ दिस एक्चुअली हैपेंस इन दिस वीडियो ओनली। बहुत ही विल बी वेरी फन टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि क्यों इन्हें इक्वल होना चाहिए। बट नाउ विल कंटिन्यू विद ग्रेविटेशन। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग एक्चुअल में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टडी करते हैं। तो न्यूटन ने कहा था अपने फोर्थ लॉ में, विच इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरीवन सेज न्यूटन हैड थ्री लॉज ऑफ मोशन, ही हैड फोर लॉज। फोर्थ लॉ क्या है, इट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन स्टेटेड कि हर दो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स होती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उस बॉडी के ग्रेविटेशनल मास से रिलेटेड होती है, एंड इस ग्रेविटेशनल मास की वजह से ही सारी बॉडीज इन दिस यूनिवर्स एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ये जो फोर्स होती है ये हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज के इक्वल होती है, एंड हमेशा अट्रैक्टिव होगी। बॉडीज विल ऑलवेज वॉन्ट टू कम क्लोज टू ईच अदर। तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो यहाँ पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज मेरे पास दो फोर्सेस हैं। एक तो फोर्स हो गया जो वन पे एक्ट कर रहा है बाय बॉडी टू, दूसरा फोर्स हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में जो टू पे एक्ट कर रहा है बाय बॉडी वन। एक्शन रिएक्शन पेयर्स बन रहे हैं, आपको समझना है। तो एज यू कैन सी वेक्टर F12 इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ वेक्टर F21। ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स बन रहे हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे हो रहा है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक है। अब न्यूटन ने अपने लॉ में क्या कहा था कि जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है ये हमेशा प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज। तो मैंने कह दिया इसकी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कहेंगे इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब M1 M2 के प्रोपोर्शनल है, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि अगर मैंने डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, दिस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या फिर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, एफ ऑल्सो प्रोपोर्शनल होते इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। ये समझने रिजल्ट्स कैसे डिराइव किए गए थे, एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्वेशन से ये रिजल्ट्स देख सकते हो डिराइव किए गए थे। मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस एक्सप्रेशंस हैं। अब रेस्ट इज सो इजी कि मैंने सीधे बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा, यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगा देंगे एंड इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख देंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यहाँ पे जी मान लिया, सो इट इज जी M1 M2 ओवर R² एंड यहीं से न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बन गया। यहाँ पे जो मैंने प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यूज किया है ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसका नाम है, एंड ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है पूरे यूनिवर्स में सारी बॉडीज के लिए,
ये कॉन्स्टेंट सेम होते हैं, इसकी वैल्यू इज 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। ये कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है। अभी हम लोग एक स्मॉल जी के डिस्कशन करेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया है। हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे, नॉर्मल वर्टिकल वहां पे यूज किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत बार यूज किए, वर्क एनर्जी एंड पावर में भी बहुत बार यूज किए। सो वी हैव ऑलरेडी हैड इनफ आइडियाज अबाउट स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या फिर 10 अप्रोक्स कर सकती हूँ। लेकिन अब हम लोग इसकी ग्रेविटेशनल ओरिजिन को भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट विल फिनिश दिस अप, उसके बाद वी कैन मूव ऑन। तो अब मैंने देख लिया कि अगर मैंने कैपिटल जी को ये लिख दिया तो समहाउ दिस स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस दोनों बॉडीज पे एक्ट करेंगे। सिर्फ मुझे पता है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स हो गई, डायरेक्शन तो ऐसे मिल सकता है कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ लिखना है तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू। अगर लिखना है इस डायरेक्शन में, मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया फ्रॉम वन टू टू। अगर फोर्स लिखना है ऑन वन ड्यू टू टू, तो यू हैव टू राइट ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम वन टू टू, एंड आपने बस इस स्ट्रेंथ को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू गेट द कंप्लीट फोर्स, मतलब मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। सो द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मास ऑफ वन टाइम्स मास ऑफ टू ओवर द डिस्टेंस बिटवीन दैम स्क्वेयर्ड एंड टाइम्स मी यूनिट वैक्टर फ्रॉम बॉडी वन टू बॉडी टू। एंड ये फोर्स हमेशा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज है, फोर्स यहाँ से नहीं लगेगी, यहाँ से नहीं लगेगी, फोर्स हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगी। दैट इज वॉट यू नीड टू नो। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन तो ले लिया अबाउट वॉट एग्जैक्टली इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। अब हम लोग वेट ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डिस्कशन करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो। ऑल राइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी बॉडी अगर आपके पास है एंड उसे आपने अर्थ के सर्फेस पे रखा है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एक्ट कराता है, सिंस वी नो अर्थ भी बहुत ही ह्यूज मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की एक्ट करती है। अब यहाँ पे अगर फोकस किया जाए, दूसरी बॉडीज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप देख सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से जो स्मॉल 1 kg 2 kg 15 kg 100,000 kg को जो मासेस होते हैं वो उतनी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स हाई कब होगी, जब ये बॉडीज बहुत मैसिव होंगे कंपेरेबल टू द साइज या फिर मासेस ऑफ अर्थ एंड सन एंड ऐसे प्लैनेट्स एंड स्टार्स। दैट इज द रीजन, एंड इसी वजह से मून अर्थ को ऑर्बिट करेगा, अर्थ सन को ऑर्बिट करेगा, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं उसे उस बॉडी का वेट कहा जाता है। अब देख लिया जाए तो वेट हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है कि इट इज एम टाइम्स जी, मास ऑफ बॉडी टाइम से कॉन्स्टेंट रख दिया, अर्थ विच इज कॉन्स्टेंट फॉर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ रादर, तो इसे मैंने एम जी लिख दिया। अब दिस इज द वेट ऑफ अ बॉडी एट अर्थ सर्फेस। अर्थ के सर्फेस पे अगर मैं वेट को एक्चुअल में ग्रेविटेशन लॉ के फॉर्मूलास में लिखना चाहूँ तो हाउ कैन आई राइट इट, इट कैन बी रिटन एज जी टाइम्स, एक बॉडी तो अब अर्थ हो गई, सो मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द बॉडी ओवर में हो गया मेरा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वेयर। अब ये रेडियस ऑफ अर्थ कहाँ से आया, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अगर मेरे पास ये अर्थ हो गया, इफ दिस इज अर्थ, तब यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ है। अगर मैंने किसी भी बॉडी को अर्थ के सर्फेस पे रखा है सो यू कैन सी कि सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन होता है ये रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होता है। सेंटर टू सेंटर सेपरेशन ही क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मैं अर्थ का पूरा मास, सिंस अर्थ इज वेरी मच ऑफ अ स्फीयर, नियरली स्फेरिकल बॉडी है, तो अर्थ का जो पूरा मास मैं इसके सेंटर पे अस्यूम कर सकता हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें दो पॉइंट मासेस मान सकते हैं। मैंने जो ग्रेविटेशन लॉ लिखा था वो एक्चुअल में पॉइंट मासेस के लिए एग्जैक्टली वैलिड होता है, तो यहाँ पे मैं अर्थ को पॉइंट मास मान सकता हूँ। पॉइंट मास कब मानूंगा, जब मैं इसका पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास जहाँ पे सेंटर पे ये पे अस्यूम कर लूंगा। इफ इट इज एट सेंटर ऑफ मास तो मैंने डिस्टेंस आर ई लिख दिया, सो इट इज आर ई का स्क्वेयर, आर ई का स्क्वेयर एज यू कैन सी। तो ऑब्वियसली अगर मैं मास कैंसिल करूँ मुझे ये फॉर्मूला मिलता है कि जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर में आर ई का स्क्वेयर।
तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किसके इक्वल होती है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया। लेकिन अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जब ये एम जी लिखा तो ये जो एम है ये ऑब्वियसली इनर्शियल मास है। ये इनर्शियल मास क्यों है? हम लोग तो ग्रेविटेशनल के डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये इनर्शियल मास इसलिए है क्योंकि मैं एक फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी कह रहा हूँ कि जब ये बॉडी फ्री फॉल में होगी जी से एक्सेलरेट करेगी, मास इसका एम होगा, तब जो फोर्स इस पे एक्ट करेगी सिर्फ वेट है, रेजिस्टेंस इग्नोर्ड है। मतलब व्हाट यू कैन सी ओवर हियर कि डब्ल्यू इक्वल्स एम जी, तो ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव ही होते हैं। डब्ल्यू इक्वल्स एम जी इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग एफ इक्वल्स एम ए इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे जो एम है ये इसका इनर्शियल मास है, लेकिन ये जो मैंने एम लिखा है ये तो ग्रेविटेशन लॉ के फॉर्मूला से लिखा है, तो ये मेरा ग्रेविटेशनल मास है। अगर ये बेसिकली ट्रू है, अगर मेरा इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस के वैल्यू सेम होंगे फॉर ए स्पेसिफिक बॉडी, तभी मैं इन्हें कैंसिल आउट कर सकता हूँ एंड जे इक्वल्स कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वेयर लिखा जा सकता है। एंड मैंने बताया कि इनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं, दैट इज द रीजन या सारी बॉडीज एग्जैक्ट सेम एक्सेलरेशन से फॉल करती है। अगर किसी भी स्पेसिफिक बॉडी के लिए इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल नहीं होते, तब आप क्या देखते कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती ये डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफर कर जाती, तो डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट रेट से इनकी स्पीड चेंज होती या फिर वेलोसिटी चेंज होती व्हेन दे आर इन फ्री फॉल। यहाँ पे ये इक्वल है, सो यू कैन गेट फॉर्मूला एज सिंपल एज दिस जो कि अदरवाइज आपको नहीं मिलता। अगर मेरे ये जो बॉडी रखी है ये किसी हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ पे रखी है, तब क्या अभी भी ये वही होगा? इट विल बी डिफरेंट। तब जो वेट ऑफ दिस बॉडी होगा ये एम जी डैश होगा, जहां पे जी डैश इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट हाइट एच। अब अगर मुझे इसे एम जी डैश लिखना है, ऑब्वियसली दिस विल बी जी एम ई टाइम्स में एम हो गया ओवर में आर ई प्लस एच, क्योंकि अब जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस बॉडी, अब ये दिस आर ई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस में हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो ये जो हाइट मान रहा हूँ सीधे सेंटर से नहीं मान रहा हूँ, दिस इज द हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ये एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस पे है, तब मैंने इस एच को आर ई से ऐड किया एंड फिर इसे इसका स्क्वेयर करके इस टर्म को इसके स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे किसी भी हाइट एच पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है दैट इज जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का स्क्वेयर। दिस इज अनदर थिंग, कोई भी बॉडी हाइट एच पे तो इतना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा एट दैट पर्टिकुलर हाइट एच। तो ये हम लोगों ने देख लिया, जब हम लोग अर्थ के ऊपर जाते हैं किसी भी हाइट एच पे जाते हैं तब कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन व्हाट इफ वी गो इनसाइड अर्थ, अगर हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं तब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है? तो उस केस को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ले लिया दिस इज अर्थ, स्फेरिकल ले लेते हैं, ऑल दो अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होती है, यहाँ पे स्फेरिकल मानते हैं। एंड मैंने अब क्या माना कि मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल से सीधे साउथ पोल तक एक होल डिग कर लिया, थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ मैंने यहाँ पे एक होल बना दिया। अगेन इट इज अ वेरी फिक्शियस थिंग, लेकिन मानेंगे इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। मैंने एक होल क्रिएट कर दिया एंड एक बॉल को यहाँ पे लीव कर दिया दैट फॉल्स थ्रू दिस होल, ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करेगी तो ये बॉल नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि जब ये बॉल नीचे जाएगा, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ अर्थ, तब इसकी ग्रेविटी कैसे वैरी करेगी विद द बॉल्स मोशन, जैसे एक डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होगा, जैसे क्लोज जाएगा या फिर यहाँ पे फार जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इनिशियली ये एट अ सेपरेशन आर ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, फाइनली ये बॉल एट सच अ पॉइंट आएगा जब मान लो ये सेंटर ऑफ अर्थ से किसी दूसरी सेपरेशन मैंने आर सी ले लिया। आर सी क्यों ले रहा हूँ? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसलिए मैंने आर सी माना। तब यहाँ पे कितनी ग्रेविटी एक्ट करेगी? सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि मैंने अब क्या कर लिया, जब ये आर सी डिस्टेंस पे होगा, आर सी रेडियस का कंसिडरिंग द सेम पॉइंट, आर सी रेडियस का मैंने एक और स्फेयर बना दिया। अर्थ खुद एक स्फेयर है जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करी थी, इनिशियली एक स्फेयर में था,
जहाँ स्फीयर के एज पे था बेसिकली लास्ट पॉइंट पे विद आर ई रेडियस, अब ये आर सी रेडियस के स्फीयर के लास्ट पॉइंट पे है। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड जब ये आर सी रेडियस तक आ जाएगा, आर सी डिस्टेंस टू द सेंटर पे होगा, ये जो दूसरे मासेस आउटसाइड ऑफ दिस स्फीयर होंगे, अब इनकी ग्रेविटी इफेक्टिव नहीं होगी। ग्रेविटी इफेक्टिव क्यों नहीं होगी, क्योंकि तो जब ये आर सी डिस्टेंस पे होगा तो यहाँ पे जितना मास है, हैव टू अंडरस्टैंड, उतना ही मास यहाँ पे है। जब यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, ये मास इसको यहाँ पे पुल करेगा, ये मास इसे यहाँ पे पुल करेगा। सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, इसके मासेस कैंसिल, यहाँ पे जो मासेस हैं ये बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे। नॉट दैट मासेस कैंसिल हो रहे, इनके ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बॉडी का जितना मास है, यहाँ पे भी उतना ही मास होगा, बॉडी का नहीं अर्थ का, आउटसाइड दिस स्फीयर, तो यहाँ के भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये आर सी रेडियस तक आ जाएगा, जो इफेक्टिव ग्रेविटी इसकी होगी सिर्फ इस रेडियस ना पे होगी, इस स्फीयर की वजह से हमारी इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो बस अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया कि आरसी डिस्टेंस पे इस पे कितनी ग्रेविटी एक्ट करेगी बाय दिस मास इनसाइड दिस स्फीयर, तब हम लोग देख सकते हैं दैट विल बी द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जब ये आरसी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ पे होगा। टू कैलकुलेट इट मैं क्या करता हूँ, पहले डेंसिटी ऑफ एंटायर अर्थ कैलकुलेट कर लेता हूँ, जिसे मैं कॉन्स्टेंट मानूंगा। कॉन्स्टेंट है नहीं, यहाँ पे एक असम्पशन ले रहे हैं, जिसे मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया। सो इट विल बी मास ऑफ अर्थ ओवर वॉल्यूम, मास ऑफ अर्थ मैंने एम ई ले लिया, वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तब ये जो मास होगा ऑफ दिस स्फीयर जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तब मास ऑफ दिस स्फीयर में क्या ले सकता हूँ, द डेंसिटी ऑफ अर्थ टाइम्स में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पे रेडियस आर सी है, इजिली वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ अर्थ यहाँ से निकाला गया है एम ई ओवर 4/3 πr³। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था बाई वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर जो कि सेकेंडरी स्फीयर मैंने कंसिडर किया है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर है ये बेसिकली 4/3 हो जाएगा, 4/3 πr³। आर सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एट दिस मोमेंट। अब ये दोनों मेरे टर्म्स कैंसिल हो गए, इनफैक्ट तीन तीन टर्म्स कैंसिल हो गए। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टर्म मिला, दिस इज ऑब्वियसली एम ई टाइम्स में, ये हो गया आर सी क्यूब ओवर आर ई क्यूब। दिस इज द मास ऑफ दिस स्फीयर जिसकी ग्रेविटी इफेक्टिव होगी, जो इस स्फीयर के बाहर जितने मास है इनकी ग्रेविटी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि इनका ग्रेविटेशनल जो नेट ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन या फिर फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अब मुझे बस क्या करना है, मेरे पास मास है, डिस्टेंस ऑलरेडी पता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एट दिस मोमेंट, इजिली मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, एंड दैट विल बी जी टाइम्स में मास ऑफ दिस स्फीयर हो गया, मास ऑफ बॉडी हो गया ओवर ये आर सी का स्क्वेयर हो गया। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, इट इज जी टाइम्स में हो गया एम ई, फिर ये एम हो गया आर सी क्यूब ओवर में आर ई का क्यूब कर देते हैं, एंड यहाँ पे ओवर में है आर सी का स्क्वेयर, ये टर्म कैंसिल हो गया, एंड मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स When it is at a certain depth inside Earth's surface होगा, जब ये at a distance RC होगा, तब क्या मिला? G times में ME times में M over RE का क्यूब RC मिल गया। So this is the gravitational force at a certain depth inside Earth's surface. So if you consider over here, यहाँ से RC decrease करे, जैसे ये Earth के और पास जाता जाएगा, तो RC decrease करे, since RC decrease कर रहा है तो एफ जी भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आर सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर सी को चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ माइनस हाइट फॉलन। जब इसकी लेट्स से सेपरेशन आर सी थी, तब तक ये एच हाइट फॉल किया, तब इसे रेडियस ऑफ अर्थ माइनस एच हाइट का कर सकते हो। यूजली तो आपको हाइट पता होगी जो कि ये फॉल किया है, रादर देन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन हाइट पता है, ऑब्वियसली आर सी आप सीधे निकाल ही सकते हो। सो दीज आर जस्ट वन एंड द सेम थिंग। अगर मैं यहाँ पे आर सी को आर ई माइनस एच रिप्लेस करूँ, तो अभी भी ऐसा कोई बड़ा सा फायदा नहीं हो रहा है, यू स्टिल गेट दैट राइट। सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ से ये मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ सर्टेन डेप्थ होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी डैश होती है, इसे मैं एफ जी डैश कह देता हूँ, इट विल बी बेटर नोटेशन एज दैट।
जी डैश अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी जी एम ई एम यहाँ पे एम तो इजिली कैंसिल हो गया ओवर में आर ई का जो क्यूब होगा दैट इज व्हाट इज मैटरिंग ओवर है एम्स में आर सी हो गया दिस इज इट। अब अगर मैं फोकस करूं एक बहुत ही अच्छी चीज मिल रही है ओवर हियर कि इससे मैं नॉर्मल जी एट अर्थ सर्फेस से रिलेट कर सकता हूँ एट अर्थ सर्फेस जी एम ई ओवर आर ई स्क्वेयर इज